हेलो क्लास 10, दिस इज़ इंग्लिश क्लास. ओके, चैप्टर 8, द हैक ड्राइवर. ठीक है, आज हम लोग आगे देखते हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ही मेड ऑल देम ऑल लाइफ. ठीक है, जितना भी लोगों के बारे में वो डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, वो सारा ऐसा लग रहा था कि जीवंत हो चुका है, जीवित हो चुका है, सब लाइव है उसके सामने. ठीक है, ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियंस बेटर देन आई डिड द सिटी. ठीक है, जैसा कि शहर से मैं न्यू मिलियन के बारे में विचार रखता था, जैसा सोचता था, अब मैं वास्तविक रूप से न्यू मिलियन को पहचान पा रहा था. जब वो डिस्क्राइब किया शहर पीपल के बारे में, तो न्यू मिलियन को मैं समझने लगा था, ऐसा नरेटर बोल रहे हैं. एंड टू लव इट बेटर, और मैं इससे, मुझे भी इस जगह से प्यार होने लगा था, मतलब अच्छा लगने लगा था ये जगह मुझे भी. ओके, बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़. जो बिल है वो सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में जानता नहीं है. बिल कौन है? वही हैक ड्राइवर. ठीक है, वो सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वहाँ गया नहीं है. बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन वो दुनिया भर के तमाम देश, बहुत सारे देशों में भ्रमण किया है, घूमा है, लेकिन शहर और कॉलेज के बारे में उसको पता नहीं है. एंड हैड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और तरह तरह का, बहुत तरह का काम भी किया, कहीं पे कुछ काम, कहीं पे कुछ काम, मतलब काम की खोज में वो तरह तरह का जगह गया हुआ है, अलग अलग तरह का जगह गया हुआ है, घूमा हुआ है. ठीक है, लेकिन वो कॉलेज और सिटीज़ के बारे में नहीं जानता. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर्स. इतना जगह जो घूमा ना, इस एडवेंचर्स की वजह से उसमें सिंप्लिसिटी आ गया, उसके सोच में बहुत ही सरल सोच है उसका, बहुत ही साधारण, एक सिंपल है, मतलब सोचो एक ज़्यादा तड़क भड़क हाई फाई ऐसा नहीं, और लाफ्टर भी है, मतलब मजाकिया भी. बहुत सारे ऐसे लोग आपके अपने आसपास मिलेंगे जो बोलते भी हैं तो बहुत हंसी वाले बात सब बोलते हैं. ठीक है, हंसी आता है उनके गप को, उनके बात को सुन के. ऐसा कैरेक्टर था हैक ड्राइवर. ठीक है, ही स्ट्रेंथन मी, उसने मेरी शक्ति को बढ़ाया, मतलब एक तरह से मेरे अंदर ऊर्जा भर दिया था अपने बातों से, अपने गप से, वो मेरे अंदर एक ऊर्जा भर दिया था. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च टू ऑलिवर लुटकिंस. ठीक है, हम लोग उस जगह को, इस खूबसूरत से जगह को, पेड़ उड़ के छाँव को, पेड़ को, सारे जगह को छोड़कर वापस हम लोग मुद्दे पे आ गए. और मेरा मुद्दा क्या था? ऑलिवर लुटकिंस को खोजना. हम लोग वापस उसी काम पे आ गए. वी कुड नॉट फाइंड हिम, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाए थे, ढूंढ नहीं सके थे, तो हम लोग फिर से वापस, क्योंकि वो उसी काम के लिए गया है. ठीक है, सामान जारी हुआ उस पर और उसको ढूंढ के लाने के लिए गया हुआ है. वो एक लॉ फर्म में काम करता था, जैसा कि पहले भी स्टोरी में बताया गया था. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. फिर वो क्या किया, अपने एक दोस्त से पूछा है विल्स, ठीक है, बातचीत किया, तो बोला कि लुटकिंस जो है वो लगता है मुझे कि अपने मम्मी के पास गया, अपने मम्मी के फार्म में गया, जहाँ पे उसकी मम्मी खेती बाड़ी का काम करती है, मतलब उसका जो घर है वहाँ पे वो गया हुआ, जो कि यहाँ से 3 miles नॉर्थ में है. ठीक है, ओके, कितना था, 3 miles वहाँ से दूर है, नॉर्थ में. वी ड्रोव आउट देयर लाइन प्लान्स. ठीक है, हम लोग वहाँ पे गए. ठीक है, हम लोग उधर की ओर निकल लिए, जहाँ पे उसका पता मिला था कि वहाँ वो हो सकता है, तो हम लोग उसको ढूंढने के लिए उस तरफ निकल गए, एक प्लान के तहत. ठीक है, एक मकसद, एक मोटिव, एक प्लानिंग है. आई नो ओलिवर्स मदर, तो वो बिल बोलता है, मैं उसकी मम्मी को जानता हूँ. सी इज़ ए टेरर, वो एक्चुअल में एक तरह से आतंक है, मतलब इतनी खतरनाक है उसकी मम्मी कि वो एक आतंक के जैसा है. बिल साइड, आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग. मैं एक बार अंडे का ट्रे लेके वहाँ गया था, ठीक है, ट्रंक लेके गया था, ठीक है, जिसमें अंडा होता है, उसको लेके गया था एक बार उसके घर पे, और वो ऐसा लगा कि वो मेरा चमड़ी ही निकाल लेगी. ठीक है, क्योंकि मैं अंडे के जो ट्रे है, जो बॉक्स है, उसको अंडे के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं करता, मतलब थोड़ा दम लगा दिए, थोड़ा फोर्स लगा दिए, हो सकता है टूट फट जाए. तो इतना उसमें रिएक्ट कर गई थी कि ऐसा लगा था मेरा मुँह नोच लेगी, मेरा चमड़े को नोच लेगी. ठीक है, सी इज़ अबाउट 9 feet टॉल. उसका डिस्क्रिप्शन देखना उसकी मम्मी का, उसकी मम्मी लगभग 9 feet लंबी है एंड 4 feet थिक और 4 feet चौड़ी. सोचो क्या खतरनाक होगी, 9 feet लंबी लगभग और 4 feet चौड़ी. ठीक है, एंड क्विक एज ए कैट, और इतना हैवी शरीर होने के बाद भी, इतनी भारी भरकम होने के बाद भी, एक बिल्ली के जैसा तेजी है. एंड सी श्योर कैन टॉक. ठीक है, और वो बात भी कर सकती, मतलब एकदम बहस कर सकती है, ऊँचे आवाज़ में बोलती है, लाउडली ऐसा. आई विल बी बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज़ चेजिंग हिम एंड ही इज़ गॉन ऑन देयर
टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट्स। ठीक है, बोलता है कि मैं सुना हूँ, मैं जानता हूँ, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने बहुत बार इस तरह का बात सुना है लोगों से कि जब भी कोई उसका पीछा करता है ना ओलिवर, उसके बारे में पूछता है ओलिवर्स के बारे में, तो हर बार वो अपने मम्मी के पीछे जाके छिप जाता, मतलब मम्मी के कारनामा के पीछे वो छुप जाता क्योंकि उसकी मम्मी इतनी खतरनाक है, डरावनी है, ठीक है, लोगों पे झपट जाती है, तो फिर वहाँ पे कोई जाने का हिम्मत नहीं करता। हर बार जब भी वो कुछ गलती करता है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई उसको चेज कर रहा है, तो वो अपनी मम्मी के यहाँ चले जाता और उनके पीछे छिप जाता, मतलब उनके डर के पीछे छिप जाता। वेल वी विल ट्राई हियर, ठीक है, बोलता है ठीक है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय। ठीक है, लेकिन बोला कि इससे बढ़िया है कि हम ट्राई करते हैं। बिल बोला कि तुम नहीं ट्राई कर सकते, तुम क्योंकि जानता नहीं, तो हम जाके ट्राई करते हैं। यू मे बी ग्रेट एज लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। ठीक है, बोलता है कि तुम हो सकता है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जानकार है, लिटरेचर के बारे में जानता है, पढ़ाई लिखाई जान रहा है, लॉज को जान रहा है, लेकिन इस तरह के सिचुएशन को फेस करने का तुमको ट्रेनिंग नहीं मिला। ये जो खतरनाक सिचुएशन है, डरावना, इसको तुम फेस नहीं कर पा गए, इसलिए मुझे ही जाने दो, मैं हैंडल करता हूँ उस मैटर को। ओके, वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वेयर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। ठीक है, हम लोग उसके फार्म यार्ड तक पहुँच गए, उसके खेत तक पहुँच गए, किसानी जहाँ पे वो सारा उसका बोलता ना एक तरह से खेत ही बोलो, ठीक है, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कि एक इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, एक बहुत ही विशाल और हसमुखिया चीयरफुल, ठीक है, ओल्ड वुमेन को। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा जो गाइड था, जो बिल था, बहुत ही हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, ठीक है, रिमेम्बर मी, मुझे याद है, मतलब मैं याद हूँ, मुझे पहचाना, आई एम बिल मैग्नूशन, ठीक है, मैं बिल मैग्नूशन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन, मैं क्या हूँ, कार्टर और हैकमैन हूँ। ठीक है, ये जो घोड़ा गाड़ी है ये मेरा ही है, ठीक है, मैं याद हूँ, मैं पहले भी आपके यहाँ अंडा पहुँचाया हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मुझे आपके बेटे का पता चाहिए, मैं आपके बेटे को ढूंढने के लिए आपके पास आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी साउट इट, वो चिल्लाए, मैं अपने बेटे के बारे में नहीं जानती कुछ और ना मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा वो चिल्ला कर बोली एकदम लाउडली, डरा दी, एक तो शरीर इतना खतरनाक, पर इतने जोर से बोलेगी तो कोई भी डर जाएगा। नाउ लुक हियर, अब देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। बोला अब ठीक है, इधर देखो, ठीक है, वी हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट, ये जो आदमी आया है, इस तरह मूर्खता मत करो, ये जो आदमी आया है ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता, मतलब सरकारी आदमी है, कोर्ट का आदमी है। ठीक है, और इसके पास इतना पावर है, इतना लीगल राइट है कि ये तुम्हारा सारे संपत्ति को सारे जगह पे सर्च कर सकता है, इसके पास ये पावर है, सर्च ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए हर जगह पे खोज सकता है और उसका सर्च कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को, सर्च वारंट के जैसा। ठीक है, तो ये कोर्ट का आदमी है, इस तरह से वो डराया चमकाया। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, ठीक है, ये जो साउंड था, ये जो बात था, बहुत इंपॉर्टेंट लगा और इससे वुमेन जो है बहुत इम्प्रेस्ड हो गई, इम्प्रेस उसके बाद से। सी रिट्राइड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो धीरे धीरे कहाँ चली गई, किचन की ओर गई, हम लोग उसके पीछे पीछे चले गए, जब वो सुने कि सर्च कर सकते हैं, इसके पास ये पावर है, तो किचन की ओर गई और हम लोग भी उसका पीछा गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च ऑन अ शाउटिंग, ठीक है, वो क्या की, आयरन लोहा का एक छड़ के ऐसा निकाली, एक चूल्हे से, मतलब गर्म छड़ निकाली और हम लोगों के तरफ दौड़ गई चिल्लाती हुई, लोहा गर्म एकदम लेके हम लोग के तरफ दौड़ गई। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग ब्रंट फर्स्ट, सी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, ठीक है, बोलता है, बोला ठीक है तुम ढूंढ सकते हो, तुम सब कुछ सर्च कर सकते हो, पहले तुम जल जाएगा, उससे पहले तुम्हें मैं जला दूंगी, अगर जल गया तुम, ठीक है, जल के बचा, तो पहले जलो फिर जाके तुम सर्च करते रहना, ऐसा वो चिल्लाई और हम लोगों पे हंसी, जबकि हम लोग डरे हुए थे, हमारे डर के ऊपर वो बहुत जोर जोर से ठहाका लेके क्या की है, हंसी है वो लेडी। सोचो इतना विशाल शरीर, इतना डरावना शरीर, इतना लाउड स्पीच और उसके बाद ऐसा कारनामा कि लोहा का रड गर्म लेके किसी पे दौड़ जाना, तो कोई भी डर जाएगा। ओके, थैंक यू।